इसमें सर हमने मीन्स ऑफ स्प्रेड करे थे, ठीक है, मेथड्स करे थे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, व्हिच वी डिस्कस नाउ द लिटिल बिट वन टॉपिक दैट वाज देयर इन बिटवीन दैट इज द टैप्पी कल्चर. वी विल डिफाइन द फर्स्ट टैप्पी कल्चर, है ना. हमने इसके करा हुआ है टैप्पी कल्चर. क्या था पेप्टी कल्चर, व्हाट इज द पेप्टी कल्चर, क्या लोगों के माइंड में इसके बारे में क्या व्यूज थे, मतलब फॉर मेनी इयर्स एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट द अल्सर जो ये पेप्टी कल्चर है व्हिच कॉजेस द एसिडिटी, मतलब व्हिच यू कैन से इट कॉजेस एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग ड्यू टू आवर हैबिट्स, मतलब हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स है, ड्यू टू दीज वन दीज थिंग्स अफेक्ट. काफी देर तक लोगों के मन में ये चलता रहा कि जो पेप्टी कल्चर है दैट इज ड्यू टू दी ईटिंग हैबिट्स एज वेल एज यू कैन सी का मतलब जो लाइफ स्टाइल है, तो ये हमारे जो पेप्टी कल्चर है दीज आर ड्यू टू दी एसिडिटी इन द स्टमक, ठीक है, स्टमक एरिया में, स्टमक और द ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, जहाँ स्टमक का नीचे जैसे हम ये कह सकते हैं ऐसे हम स्टमक में आ रहे हैं, लोगों की पहले यही थी. आफ्टर दैट जब ये चीज एज इट इज चलती रही, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ हम उन्होंने कहा कि ये दोनों भी स्ट्रेस है, लोग स्ट्रेस कौन लेते हैं, टेंशन है, ड्यू टू दिस द बॉडी जो है दैट रिलीजेस अ लॉट ऑफ एसिड, ड्यू टू दैट एसिड दिस पेप्टी कल्चर फॉर्म, ठीक है. आफ्टर दैट टू हमारे पास ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट आए तो जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर करा, ठीक है, कि दिस इज नॉट ड्यू टू आर लाइफ स्टाइल और दिस इज नॉट ड्यू टू द एसिडिटी, इट इज जस्ट ड्यू टू द बैक्टीरिया, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द बैक्टीरिया एंड ही नेम दैट बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है. उन्होंने क्या देखा कि दे ऑब्जर्व कि दिस इज ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर व्हिच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. He observed that कि this is the ये दो जो American scientists आए थे, कौन कौन से थे scientists? Anyone will tell me? Yes. Who discovered this? Yes, Jia Janvi, unmute yourself. I'm Robin Warren and Barry Marshall. Robin Warren. और दूसरे? Robin Warren और दूसरे? हाँ जी, एक तो थे हमारे पास रॉबिन वारन और दूसरा थे हमारे पास बैरी मार्शल, ठीक है, दूसरे हमारे पास थे इन दोनों ने, मेन हमारे को जो दी थी वो थी रॉबिन वारन ने. रॉबिन वारन की ही स्टडी को आगे इन्होंने बैरी मार्शल ने फिर इसको दोबारा पढ़ा एंड देन दे दिस बोथ दे गेव अस द आइडिया दैट इज ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दैट इज द बैक्टीरिया दैट कॉजेज द पेप्टी कल्चर, ठीक है जी. अब इन दो साइंटिस्ट ने जब इसको अच्छी तरह से देखा कि स्टमक में क्या है, तो दे ऑब्जर्व कि स्मॉल स्मॉल इन्फ्लेमेशन, जहां पे ये सोर्स है वहां पे इन्फ्लेमेशन है. हेलिकोबैक्टर का मैंने आपको डायग्राम नंबर बताया उन्होंने इस चीज की क्योर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी. दे फाइंड द डिस्कवरी, उन्होंने ये हेलिकोबैक्टर को देखा कि हाउ दे कैन, एट दैट टाइम इट वॉज अ क्रॉनिक डिजीज. At that time, it was the chronic disease. Then he find out it's not a chronic disease. It can be cured by a
एंटीबायोटिक्स जिसका उन्होंने कहां से डिस्कवर करा, मार्शल एंड मैरन ने 1985 में ही डिस्कवर्ड दैट अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक वाज इफेक्टिव इन डीलिंग विद बैक्टीरिया एंड कुड क्योर द पेप्टिक अल्सर. ठीक है बेटे, इज इट क्लियर? ठीक है, एट दैट टाइम इट वॉज द क्रॉनिक, ये बहुत पेनफुल एंड क्रॉनिक डिजीज थी, बट ड्यू टू द एंटीबायोटिक फॉर्म दे डिस्कवर्ड दैट इज द अमोक्सिसिलिन, देन दे फाउंड कि जो पेन है या जो उसको क्रॉनिक गिन रहे थे, बट आफ्टर दैट टेकिंग द एंटीबायोटिक दिस डिजीज कैन बी क्योर. इज दिस पॉइंट क्लियर बेटे? ठीक है, दिस वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन एट दैट टाइम, ग्रेट डिस्कवरी एट दैट. Now we will discuss the prevention is why better than cure. What is the meaning of prevention, beta? अब इतना हमने पढ़ लिया कि diseases हैं, उनसे problems हैं, different microorganisms हैं, those causes the diseases. तो How we can prevent ourselves? हम लोग कैसे बचा सकते हैं? By taking antibiotics, by taking medicine, as you were saying. But उससे भी better हमारे पास क्या है कि before that disease, वो disease होने से पहले ही better to take prevention. तो what is the actually meaning of prevention and what kind of the prevention you can take? Why prevention is better than cure? ठीक है, क्यों है? हाँ जी, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन एंड व्हाई इट इज बेटर देन क्योर? ओनली जिया जानवी इज इन द क्लास, बोलो जिया. प्रिवेंशन इज व्हेन वी टेक द प्रॉपर मेजर्स Before the disease occurs to us, and prevention is better than cure because the person does not become bedridden. There is no time wastage and money wastage. And the देखो, thank you जिया. देखो, simple सा logic है कि disease होती है. How we can prevent the disease? वो हमने कर लिया by taking the vaccination. अभी हम करेंगे कि क्या signs and symptoms होते हैं. When we will take the medicines and all that, but before that medicines or before that vaccination, what is the other way through which we can prevent ourselves? हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं from that disease, कि वो disease ही हमें ना हो. ठीक है, so that's why we are saying prevention is better than cure. Why prevention is better than cure? पहला reason तो बचाव करने का हमारे पास क्या है, देखो, when you will get sick, ठीक है, आप bedridden हो सकते हैं, आप नॉन स्टॉप बेड पे लेटे रहोगे, द पर्सन विल बिकम वेरी लाइक इल, लाइक बहुत फील करेगा, लो फील करेगा. तो जो फर्स्ट है हमारे पास, जब अगर हम बीमार होते हैं तो पर्सन बेड रिडन हो जाता है, द पर्सन डज नॉट बिकम बेड रिडन. अगर हम प्रिवेंशन पहले ही ले लेते हैं, पर्सन डज नॉट बिकम, ठीक है जी, अगर आप प्रिवेंशन पहले लेते हो तो बिकम नहीं, डज नॉट हैव अ पर्सन डज नॉट हैव बिकम बेड रिडन. अगर आप बेड पे पड़ गए, ठीक है, नेचुरली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. ठीक है, अगर आप प्रिवेंशन ले रहे हो तो टाइम वेस्टेज नहीं होगा. सो सेकंड हम इसमें लिख सकते हैं, नो टाइम वेस्टेज. अब आप बेड रिडन नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा,
तो अगर आप बाय चांस प्रिवेंशन लेने से पहले ही, मतलब प्रिवेंशन नहीं ले रहे और आप बीमार होते हो, तो नेचुरली, हाँ जी रितिका, अनम्यूट योर सेल्फ। रितिका अनम्यूट योर सेल्फ। नो मनी वेस्टेज और और नो मनी वेस्टेज और चीपर नेचुरली। अगर हम बीमार नहीं हुए, देखो अगर देखो अब कोविड ही हुआ लोगों को, व्हेन द कोरोना वायरस इज देयर, कोविड इज देयर, तो लोग क्या थे, क्वारंटाइन हुए, है ना, दे बिकम क्वारंटाइन। वो क्वारंटाइन में मतलब क्या हुआ, अपने ही रूम में दे वर गेटिंग बोर, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि दे कैन डू एट दैट टाइम, टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ द वर्क, दे आर नॉट मतलब सिट इन देयर फैमिलीज, ठीक है, दे कांट ईट प्रॉपरली, दे कांट ईट विद देयर फैमिली, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, मनी वेस्ट हो रही है, ठीक है, व्हेन द कोविड इज देयर, तो प्रिकॉशन हमने प्रिवेंशन नहीं ली, हमने मास्क नहीं लगाया, हमने हैंड सैनिटाइज नहीं करे, हम क्राउडेड एरिया में जाते रहे, व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, व्हेन यू आर मूविंग इन द क्राउडेड एरिया विदाउट वेयरिंग द मास्क एंड आफ्टर दैट यू आर नॉट डूइंग और द सैनिटाइज योर हैंड्स, ठीक है, When the COVID comes ना, at that time तो सब बहुत particular हो गए थे, everyone was using the sanitizer, wearing mask and all that, ठीक है, हमने घरों में रहना शुरू कर दिया था, but as धीरे धीरे ये ठीक होता गया, now what we are doing, we are moving out without wearing a mask, तो हम क्या नहीं कर रहे, हम preventions नहीं ले रहे, now again the COVID is again, ठीक है, due to our lack, हम लोग उस चीज के लिए lack हो गए कहीं ना कहीं, हमने प्रिवेंशंस लेनी बंद कर दी है, ड्यू टू दोज थिंग्स अगेन द डिजीज विल कम, ठीक है, हमारे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, अगर हम इसको पहले ही प्रिवेंशन ले लेते हैं, पहले ही क्योर कर लेते हैं, तो नेचुरली अब हम ही हैं, है ना, वी आर कमिंग टू द स्कूल, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द प्रिवेंशन, अगर हम अपने आप को देखें कि बींग अ टीचर्स अगर हम देखें, तो वी आर टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम आर पर्टिकुलर रूम्स, तो वट वी आर डूइंग, वी आर अगेन डूइंग द प्रिवेंशन, we are not coming in contact with the others, okay, so that we will not affect anyone, if we are having any cold, better to isolate yourself, that is the one kind of the prevention, okay, so that the disease will not spread, but what happened now these days, if we are having a cold, we are moving, we are matlab shaking our hands with the other one, hugging, no mask, so that the cold disease will be there, ab usme kya hai, no time wastage, then no money wastage, अगर हमने प्रिकॉशन पहले ही ले ली है तो मनी भी बच गई हमारी, नो मनी वेस्टेज। आपने सबने देखा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड व्हेन इट वाज इन द पीक, तो लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो बहुत हाई रेट पे मिले, दैट इज द मनी वेस्टेज। नो डाउट ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, बट एक्चुअली तो हम लोगों को ये बहुत कॉस्टली मिले, ठीक है, देन अदर क्या हो सकता है कि ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व कि आफ्टर द कोविड द साइड इफेक्ट्स आर देयर, हम क्योर जरूर हो जाते हैं, हम डिजीज से क्योर जरूर हो जाते हैं, बट द साइड इफेक्ट्स विल बी देयर, ठीक है, तो अगर हम प्रिकॉशंस पहले ही ले लेते हैं तो नो साइड इफेक्ट्स आर देयर, नो साइड इफेक्ट्स, सो बाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि हमें पहले ही प्रिवेंशन ले लेनी बेटर है क्योर करने के कंपैरेटिव, क्यों बेटर है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंशन ले लेते हैं तो वी विल सेव ऑल दीज थिंग्स, हम बेड रिडन नहीं होंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारे मनी वेस्ट नहीं होगी और हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि आफ्टर कोविड द डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आर देयर, कईयों को बहुत जल्दी थकान होनी शुरू हो गई है, सम गेटिंग टायर्ड, डिजीनेस है, या बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स दैट वी आर सफरिंग नाउ दीज डेज। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटे, is this point clear ki why we are saying that prevention is better than cure, hum pehle hi surrounding clean rakh lo, apne aas pas environment clean rakho, hygienic conditions follow karo, theek hai, wash your hands properly, sanitize ya wash your hands before or eating after the meal, wash your hands, theek hai, after that if you are suffering or if you matlab need to go to the crowded area, wear mask, these are the basic things that we have to follow to cure or to prevent ourselves from the disease, theek hai, now what is the principle of this, what are the principle of the prevention, ab ye to ho gaya ki that is the one question ki why prevention kyun zaruri hai ya better hai as compared to cure ke,
Now, what are the principle of the prevention? What is the principle? ठीक है, अब आपको ये देखो सबसे सिंपल है. नाउ तो दिस चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल एज वी आर डूइंग, तो आप लोगों को पता है कि कोविड को ही एग्जांपल लेके वी कैन राइट डाउन द नंबर ऑफ द पॉइंट्स. ठीक है जी, प्रिंसिपल क्या है, प्रिवेंशन का प्रिंसिपल क्या है. सबसे पहले हम कैसे, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ कि दैट डिजीज विल नॉट अकर टू अस. व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल, सबसे पहले टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. इसका सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. सबसे मेन पॉइंट क्या है, इफ वी वॉन्ट टू प्रिवेंट आर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज, सबसे पहले टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, हाउ वट इज द अदर वे टू, वट इज द प्रिंसिपल, अदर प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, टू प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, अब हाउ वी कैन इंक्रीज आर इम्यूनिटी, एनी वन विल टेल हाउ वी कैन इंक्रीज आर इम्यूनिटी. यस गरिमा, अनम्यूट योर सेल्फ अटे. मैम, बाय मेंटेनिंग, बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड हैविंग अ गुड बैलेंस्ड डाइट. एंड मैम, हैविंग गुड हाइजीनिक कंडीशंस. ठीक है, हाउ वी कैन इंक्रीज आर इम्यूनिटी. यस प्रतीक्षा, एनी अदर पॉइंट, अनम्यूट योर सेल्फ. Any other point you want to add? By taking citrus fruits. By taking, now these days if we are seeing the COVID, so by taking, but that comes under the balanced diet. Yes, Tanmeen? Yes, Tanmeen? By giving time to yourself, ma'am. By giving time to vitamins. Dobara bolo. By having multivitamins. That is the third point we can consider. मतलब अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू द माइक्रोब्स, एंड देन थर्ड पॉइंट वी कैन से टू गिव सफिशिएंट टाइम टू योर बॉडी. दैट इज द थर्ड पॉइंट वी कैन कंसीडर, टू गिव सफिशिएंट टाइम, टू गिव सफिशिएंट टाइम टू योर बॉडी. दैट इज वी कैन कंसीडर द थर्ड पॉइंट. ठीक है, these three points we have to follow. Hanji Jia, unmute yourself bete. Ma'am, by getting sufficient sleep. By getting sufficient sleep will come under this. Ya hum isko alag bhi likh sakte hain, no issue. Hum yahan likh sakte hain immunity strong karne ke liye bhi we can add. To agar hame immunity strong karni hai, take a balanced diet. Theek hai, having a balanced diet. Immunity strong karne ke liye having a balanced diet. ठीक है प्रतीक्षा, we can add this point ki take the citrus fruits, but that is for the particular disease, है ना, that is for the particular disease. If we are taking the citrus fruit, that is particular for the COVID ke liye ho gaya, ya cold aur uske liye ho gaya, that is for the particular. Balanced diet consider all the nutrients. So we will write down having a balanced diet, then exercise. रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी देयर, जो हम आजकल विंटर्स में तो बिल्कुल नहीं कर रहे. ठीक है, इन विंटर्स तो वी आर नॉट इवन फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स की एक्सरसाइज, तो वी आर नॉट फॉलो. एंड द थर्ड वन इज द हाइजीनिक कंडीशन, दैट इज द मेन रोल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. दैट इज दीज आर द मेन थ्री फैक्टर्स बाय विच वी कैन इंक्रीज या स्ट्रॉन्ग आर इम्यूनिटी. इफ वी विल टेक अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, all the nutritional things we will take, we will not depend. देखो आजकल क्या होता है, normally बच्चे क्या करते हैं, they are taking the junk foods, pizza, burger, ठीक है, fun flips, kurkure, all these things. They are not having the nutritional value. So our body will not able to fight with the microorganism. If we will depend on all these things, what we are taking all the time, breads and all that we are taking, या pizza खा लिया, burger,
If we are not taking the proper diet that contains balanced diet, means contain all the nutrients, carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, these must be there in our diet. That is required. Okay? So balanced diet plays a very important role to increase our immunity. Those who are taking the proper milk, those who are taking proper breakfast, lunch and dinner with the proper food, they are eating curd, they are taking fats, carbohydrates they are taking, and the vitamins they are taking, then they can increase their immunity. Okay? Regular exercise, naturally, when you will become active, when you will do the exercise, so you will become active. And when you active, so automatically you are having the ability to fight the microorganism, fight with the other microorganism or the disease causing organism. Then hygienic condition. Ye toh sabse main hai, and everyone, all of you know how it plays an important role. Theek hai, hygienic condition kaise aapki life mein important role play kar raha hai. If you are not keeping your house clean, ya surrounding outside of your house, if there is a stagnant water or on the roof or on the other places, remove it. Because they will increase the microorganism. They will increase the growth of the microorganism. So, hygienic condition, wash yourself properly. Aisa nahi hai ki thand hai, sardi hai, so we are not taking the shower. Take it properly. Theek hai? Lukewarm water se you can take shower, but it must be there. Hygienic condition should be appropriate. Theek hai ji? Then hai, to prevent exposure of microbes. Theek hai? These points, so we can add it according to now these days. Ki to prevent exposure to microbes, kaise hum apne aapko exposure hone se bacha sakte hain? Less visit to the crowded area. Crowded area, hai na? No doubt, everyone knows. Haan ji, Garima. Yes, Garima, unmute yourself. Ma'am, point batana hai, by providing safe and clean drinking water. Right, by providing. Pehle, let's visit to crowded area. Mein kya hum likh sakte hai? Everyone knows ki we have, matlab, we should not visit the crowded area at this time. Theek hai? This is the reason. Dekho, this is the reason schools aapke off kar rahe hai. Theek hai? Aapko online padha rahe hai. Home, kya kehte hai isko? Theaters band hai. जिम बंद है, जहां पे क्राउड है वहां पे लोगों को बना कर है, बट स्टिल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रोटोकॉल. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बाहर अपना पार्टीज कर रहे हैं, वी आर गोइंग लाइक आउटिंग्स कर रहे हैं, फ्रेंड्स सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट. तो देयर शुड बी लेस विजिट टू द क्राउडेड एरिया. सेकेंड पॉइंट, बाय प्रोवाइडिंग, क्या अभी गरिमा ने बोला था, सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इफ वी आर टेकिंग दिस सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो नेचुरली हम अपनी बहुत सारी डिजीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं. बिकॉज दिस टाइम क्या होता है कि व्हेन वी आर नॉट टेकिंग द ड्रिंकिंग वाटर, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, then the microorganism, because we already read about this thing, ki microorganisms, the contaminated food and water, they can cause, theek hai, they can cause the diseases. Microorganism act on this thing, theek hai. So it's just better, we have to take the safe and the clean drinking water. We have to focus to clean drinking water. If we are not having it, then boil the water and then drink it, theek hai. During even the rainy season, it is advice to take the boiling water. Theek hai, no doubt aqua guards and filters lage hain, but during rainy season most of the time we used to say ki boil the water and then drink. Theek hai, third hamare paas hai, isi ka third point, clean environment. The third point will come, clean environment. Hame apni environment ko clean rakhna hai. Then the fourth point isme aa jayega, covering wounds. ठीक है, कवरिंग वाउंड्स जो है विद द बैंडेज इफ एनी. अगर आपको कोई पे भी, मतलब एज वी ऑलरेडी डिस्कस, द हाउस फ्लाई इज द मेन वेक्टर, सबसे मेन वेक्टर हाउस फ्लाई है. ठीक है, दैट इज कैरी द नंबर ऑफ द डिजीजेस, मतलब जो कॉजिंग माइक्रोब्स है, हाउस फ्लाई कैरी, दैट इज द मेन वेक्टर. तो अगर हमारे कोई वाउंड है, कोई चोट है, अगर हमें कोई इंजरी हो गई है, इट्स बेटर टू कवर इट.
ठीक है, कवर इट प्रॉपरली विद द बैंडेज और विद एनीथिंग और ऑयल, सो दैट व्हेन द हाउस फ्लाई और एनी अदर इंसेक्ट और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे विल नॉट एक्ट ऑन इट. ठीक है, तो दे विल नॉट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन. सो बाय दिस वी कैन फील सेफ. द प्रिवेंशन हम कैसे ले सकते हैं, थ्री मेन बेसिक पॉइंट्स आर देयर. नंबर वन, टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. सेकेंड, एक्सपोजर टू माइक्रोव्स. एंड द थर्ड वन इज टू सफिशियंट टाइम टू योर बॉडी. सफिशियंट टाइम टू योर बॉडी में जिया हम लिख सकते हैं, जैसे आपने बताया प्रॉपर स्लीप. यू कैन राइट डाउन इन दैट वन टू गिव सफिशियंट टाइम टू योर बॉडी दैट टेक प्रॉपर स्लीप. ठीक है, दैट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो इफ वी वॉन्ट टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज.